To keep your brain fit and active, logically solve one puzzle every day. तो चलिए देखते हैं आज की पजल। आज की पजल में आपको दिया गया है एक ग्रीड 25 हाउसेस का। 5 हाउसेस हॉरिजॉन्टली, 5 हाउसेस वर्टिकली। हर रो में 5 घर हैं, हर कॉलम में 5 घर हैं। ग्रीड में टोटल हाउसेस 25। इन 25 ब्लैंक्स में हमें 1 से लेकर के 25 तक के नंबर बैठाने हैं, और इस तरह से बैठाने हैं कि किसी भी रो की 5 संख्याओं को हम जोड़ें, किसी भी कॉलम की 5 संख्याओं को जोड़ें, या किसी भी डायगोनल की 5 संख्याओं को हम जोड़ें, तो टोटल हमें मिले 65। ये हुआ पार्ट 1। पार्ट 2 है, क्या आप 1 से 25 तक की संख्याओं का उपयोग करके इस तरह के ग्रिड में 65 के अलावा कोई और टोटल, कोई और सम हासिल कर सकते हैं? यदि हाँ तो कितना, और यदि नहीं तो क्यों नहीं, कारण बताइए। मेरा रिक्वेस्ट है, आप वीडियो बंद करें, अपने से सॉल्व करें, क्योंकि आपने पिछली पजल अवश्य सॉल्व की होगी, यदि नहीं की तो रिफर करें। क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस तरह की पजल को सॉल्व करने के लिए जो भी ब्लैंक हाउसेस हैं उनमें लेटर्स प्लेस करते हैं। यहां पर ब्लैंक हाउसेस हैं 11। ब्लैंक हाउसेस में हम प्लेस करेंगे ए से लेकर के के तक के लेटर्स। इनडायरेक्टली हमें क्या करना है, इन लेटर्स के मूल्य निकालने हैं। इस तरह की सिस्टम फॉलो करने से इस पजल को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं लॉजिकल सॉल्यूशन। सबसे पहले हम उन लेटर्स के वैल्यूज पता करेंगे जिनको हम डायरेक्टली पता कर सकते हैं, डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर हम जे का वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। जे इज इक्वल टू 65 माइनस 14 माइनस 22 माइनस 1 माइनस 10 इक्वल्स टू 18। इसी तरह से बाकी कुछ लेटर्स के वैल्यूज हम पता कर सकते हैं डायरेक्टली। आई 23, एच 2, ई 12, डी 11 एंड सी 7। हमने जे के आई एच ई डी सी के मूल्य बैठाए। अब आप देखेंगे कि डायरेक्ट कैलकुलेशन ऑफ एनी वैल्यू संभव नहीं है, अब हमें देखनी पड़ेगी पॉसिबिलिटीज। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कौन कौन से लेटर्स बच गए? लेटर्स बचे ए बी एफ और जी। और वैल्यूज कौन कौन से बच गए? 6, 4, 13 और 19। पॉसिबिलिटीज देखते हैं। 65 इक्वल्स टू 17 प्लस ए प्लस 24 प्लस बी प्लस 14, ए प्लस बी इक्वल्स टू 10। बची हुई संख्याओं से 10 हम कैसे पा सकते हैं? 6 प्लस 4। दूसरा इक्वेशन देखते हैं, 65 इक्वल्स टू ए प्लस 9 प्लस एफ प्लस 10 प्लस 24, ए प्लस एफ इक्वल्स टू 25। बचे हुए नंबर से 25 हमें कैसे मिलेगा? 6 प्लस 19। ए का मूल्य मिल गया 6, दोनों में कॉमन है। यदि ये 6 है तो बी का मूल्य हो जाएगा 4 और एफ का मूल्य हो जाएगा 19। अब हमारे पास सिर्फ एक लेटर बचा, जी। जी विल बी इक्वल टू 13। हमने ए बी एफ और जी के मूल्य भी बैठाए। हमें हर रो की 5 संख्याओं का जोड़ मिलता है 65, हर कॉलम की 5 संख्याओं का जोड़ मिलता है 65, और दोनों डायगोनल्स की 5 संख्याओं का जोड़ मिलता है 65। दूसरे पार्ट पर आते हैं, हमने कितने नंबर्स यूज किए? 1 से लेकर के 25 तक के। 1 से लेकर के 25 तक के नंबर्स को हम जोड़ें तो टोटल हमें मिलेगा 325। 325 को यदि हम 5 से डिवाइड करें तो हमें उत्तर मिलता है 65। 325 का सम देने वाले नंबर्स
एक से लेकर के 25 को हमने पांच पांच करके पांच रोज में बैठाना है। हर रो का टोटल होना चाहिए 65। इसलिए 65 के अलावा दिए गए कंडीशन में कोई दूसरा टोटल हम प्राप्त नहीं कर सकते। ये हुआ दूसरे पार्ट का आंसर। इस तरह की पजल सॉल्व करने से हमारी लॉजिकल एबिलिटी का विकास होगा। इसी तरह बहुत सारी कुशलताओं का विकास करते करते 501 पजल की इस सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। अगली पजल में अवश्य मिलेंगे। थैंक यू। धन्यवाद।